मानव समाचार मानवता के हक में। आज सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो दिल्ली के शालीमार बाग का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ नामालूम गुंडे एक खातून को बुरी तरीके से डंडों से पीट रहे हैं। खबरों के मुताबिक दिल्ली के रहने वाली इस महिला ने दिल्ली की ही एक पार्टी के विधायक पर गुंडे भेजकर पिटवाने का आरोप लगाया है। ये तस्वीरें इतनी भयानक है, जिसे देखने के बाद आप लरज उठेंगे, आप विचलित हो जाएंगे। ये तस्वीर साफ साफ बताती है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और इस तरह की गुंडागर्दी कहीं पर भी नज़र आती है, जिसे रोकने में पुलिस सरासर नाकाम है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, साथ ही साथ दो औरतों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि बकिया लोगों की तलाश अभी जारी है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की हुकूमत आने वाले इलेक्शन में जीत के लाख दावे कर ले, मगर वहां से आने वाली तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयान कर रही हैं। जो वीडियो आपको नज़र आ रहा है, ये वीडियो बुंदेलखंड का है, जहां पर अखिलेश यादव की एक रैली में हर तरफ अफसरों का ये उमड़ता हुआ सैलाब कितना वोटों में तब्दील होगा, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। टू व्हीलर फोर व्हीलर गाड़ियों को धक्का मारते हुए तो आपने लोगों को अक्सर देखा होगा, मगर क्या आपने कभी किसी को हवाई जहाज़ यानी कि प्लेन को धक्का मारते हुए देखा है? नहीं ना। चलिए आज आपको ये तस्वीर भी दिखाते हैं। सरकारी महकमे की लापरवाही की दास्तान तो कई बार आपने देखी भी होगी, सुनी भी होगी। कई बार ऐसा होता है कि अहम दस्तावेज कभी चूहे कुतर लेते हैं तो कभी दीमक चट लेती है, मगर यहाँ पर एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया देखने में आया, जब एक बकरी ने एक सरकारी महकमे में, जो कि कानपुर का कोई महकमा है, जिसमें एक बकरी एक सरकारी महकमे में घुस जाती है और टेबल पर रखा हुआ कागज चबाने लगती है। ऑफिस के बाहर कागज चबाती हुई बकरी की वीडियो आपको साफ नजर आएगी। तभी एक सरकारी कर्मचारी बकरी के मुंह से उस कागज को छीनने की कोशिश करता है, और उसके बाद काफी दूर तक जो है उसे बकरी के पीछे दौड़ता हुआ देखा जा सकता है।